अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। पीएसएल के हवाले से आज फिर हम लोग 97 के प्लेटफॉर्म पे मौजूद है। तो आज फिर हम बात करते हैं 97 न्यूज पे। कल तो फैज नूर की टीम हार चुकी है और मेरी टीम जीत चुकी है। फाइनली लाहौर की विन था घर, और मैंने इन्हें पहले ही कह दिया था कि लाहौर की बिल्कुल खेल में हार जीत होती रहती है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आज जो है वो आज का जो शो है वो सॉरी मैच है वो हो रहा है कराची किंग्स और पेशावर जलमी के दरमियान। अच्छा आज तुम किसके साथ हो? आज मैं पेशावर के साथ और आज मैं कराची किंग्स के साथ हूँ। दीदी कराची में कौन है? इमाद वसीम आपके कैप्टन है और जो है बाबर आजम वो मेरे हैं। ठीक है, बाबर आजम जो है वो अच्छे बैट्समैन है। खैर आपके जो है वो कैप्टन वो ऑल राउंडर है, वो बैटिंग भी करते हैं और बॉलिंग भी करते हैं। आज की दोनों टीमें भी बहुत ज्यादा मतलब के तगड़ी हैं। आप देखते हैं कि आज कौन जीतता है। टॉस जीतकर कराची ने तो बॉलिंग का फैसला किया था, जबकि पेशावर जलमी की जो है वो बैटिंग जारी है। बिल्कुल, अब तो मुझे तो लगता है कि इस दफा कराची किंग्स ही जीतेंगे, क्योंकि कल तुम्हारी टीम जीती थी, आज मेरी टीम जीतेगी इंशाल्लाह। चलिए देख लेते हैं कराची किंग्स जीतती है या पेशावर जलमी जीतती है। ये तो अब आपको बैटिंग और बॉलिंग का फैसला बताएगा। कल तो जो था वो तो मुल्तान सुल्तान जो था वो बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा था, और मैंने कल ही आपको कह दिया था जो क्रिकेट होती है वो हर गेम हर बॉल पे बदलती है। बिल्कुल, और इत्तेफाक भी किया था। बिल्कुल, और देखिए सबको यही था मुल्तान सुल्तान जीतेगा, क्योंकि उनकी बैटिंग बहुत आउटस्टैंडिंग जा रही थी, कोई आउट नहीं था 70 रन पर। और बाबर सॉरी रिजवान की और शान मसूद की जो है वो पार्टनरशिप भी बहुत अच्छी थी, दोनों बैट्समैन बहुत अच्छा खेल रहे थे। लेकिन फिर शाहीन शाह अफरीदी ने आकर पास्ता पलट दिया। कल हमने जिस टॉपिक पे बात की थी कि शाहीन शाह अफरीदी शायद अभी तक शादी की खुशियों में मगन है, लेकिन देखें कि उन्होंने वाकई अपने फैंस को नाराज नहीं किया। बिल्कुल, ये बात तो वाकई मानने वाली है, उन्होंने वाकई खिलाफ एंड वाली ओवर में तो उन्होंने ओवर जितने अच्छे करवाए कि सब हैरान रह गए। और मैंने यकीन करें मैंने पूरा मैच नहीं था देखा, मुझे यही था कि मुल्तान सुल्तान जीतेगा। जब सुबह उठ के मैंने देखा कि लाहौर कलंदर जीत चुका है और मैं शॉक हो गई सीरियसली। आज की आपको साथ साथ अपडेट करते रहेंगे और बताएंगे कि आज की टीम नूर की टीम जीती है या अनमोल की टीम। गांव में याद रखें अल्लाह।